स्वागत है आपका यस न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ शकील अहमद। तो आइए दोस्तों, आज हम बीजापुर शहर के बस स्टैंड के पास खड़े हैं, जो राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक जो केरला है उसके बॉर्डर के जो आसपास में जिले हैं या फिर महाराष्ट्र है उसके आसपास के जिलों को वीकेंड कर्फ्यू का आदेश हुआ है। इसी के चलते आज बीजापुर शहर में भी वीकेंड कर्फ्यू का फर्स्ट दिन चल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि सरकार के गाइडलाइंस के हिसाब से जो दूध की दुकान है, मटन शॉप है, इसके अलावा जो ज़रूरतमंद जो मेडिकल है, हॉस्पिटल है, सिर्फ वही दुकानें चालू हैं, वही जो सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वही चालू हैं। इसके अलावा बस है और ऑटो है, वही चालू है। इसके अलावा बाकी सब जो कपड़े की दुकानें हैं, जो गैरेज हैं, वो सब बंद हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे काफ़ी सारे दुकानें थे, यहाँ पर सब बंद हैं। चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, और जो सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से जो दुकानों का टाइम दिया गया है वो 2 बजे का टाइमिंग है। 2 के बाद वो भी जो जरूरत की दुकानें वो भी बंद हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, और यहाँ पर जब पुलिस प्रशासन भी अपना काम कर रही है, जो ज़रूरतमंद हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं उन्हें सिर्फ पूछकर उनके कार्ड देखकर छोड़ा जा रहा है, या फिर जो फिजूल में घूम रहे हैं उन पर उन्हें मास्क, अगर जो विदाउट मास्क घूम रहे हैं उनको मास्क का फाइन डाला जा रहा है। तो आइए दोस्तों, बीजापुर वीकेंड कर्फ्यू का नज़ारा देखते हैं।
ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ